हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। नाउ टाइम फॉर चैप्टर 17। दिस इज चैप्टर 17, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इस चैप्टर में आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस बताया जाएगा। द सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस टेल्स इन सिंपल टर्म अबाउट एन एक्शन दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंट। इनके सिंपल प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, जो कि आपको सिंपल टर्म में क्या एक्शन हो रहा है उसके बारे में बता रहे हैं, जो कि चल रहा होता है प्रेजेंट में, जो टाइम चल रहा है। अफर्मेटिव सेंटेंस देखिए, ओनली द प्रेजेंट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड विद आई यू एंड ऑल प्लूरल सब्जेक्ट वी दे मंकीज एक्सेट्रा। यानी कि जो फर्स्ट फॉर्म होगी वो आई यू एंड ऑल प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट होंगे सबके साथ फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज जॉइंड विद, और जो इनकी प्रेजेंट फॉर्म होगी यानी कि जो फर्स्ट फॉर्म होगी उसके साथ क्या जॉइंट होगा, एस या ईएस। फॉर यूज विद थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट ही शी इट केशव कैमल एक्सेट्रा। इनकी एंड जो अगर हमारे पास प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस हमें बनाना है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी सबके साथ, लेकिन उन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस ऐड हो जाएगा। देखिए, रीड दिस सेंटेंस, सम चिल्ड्रन फाइट विथ ईच अदर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सम चिल्ड्रन प्लूरल हो गया, अगर प्लूरल हो जाता है तो एस या ईएस नहीं लगता है, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। एंड आई गैदर फ्लावर्स विद माई फ्रेंड्स। सारा फिनिश हर वर्क ऑन टाइम। देखो सारा फिनिश, स्पेलिंग एफ आई एन आई एस एच होती है, लेकिन यहाँ पे ई एस ऐड कर दिया है क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस है और यहाँ पर क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर हमने ई एस ऐड कर दिया। वी प्लूरल हो गया तो यहाँ पर ऐसे ई एस ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। वी गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग। देखिए यू आ गया, यू के साथ भी नहीं, यू हिट द बॉल हार्ड। दिस पैरट सिंगुलर दिया हुआ है, दिस पैरट, तो यहाँ पर हम लगा देंगे इमिटेट्स, एस लगा दिए इन्होंने यहाँ पर, द गेस्ट। तो अगर यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो एस या ई एस नहीं लगेगा, सिंगुलर है तो एस या ई एस लगेगा, एंड यू के साथ भी एस या ई एस नहीं लगेगा। नेगेटिव सेंटेंस, डू इज इंट्रोड्यूस्ड विद आई यू एंड ऑल प्लूरल सब्जेक्ट। डू हम आई यू और सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं। डज इज यूज्ड विद सिंगुलर ऑब्जेक्ट। डस हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे लेकिन आई एंड यू नहीं होगा। अगर आई और यू सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम डस नहीं लगा सकते। आई यू एंड प्लूरल के साथ डो लगेगा, बाकी सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डस लगेगा। द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड विदाउट एनी एस या ई एस। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हम एस या ई एस के बिना फर्स्ट फॉर्म नहीं बना सकते हैं। एंड अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो ही एस या ई एस के बिना आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख सकते हो, अगर सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाना है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, अगर आप निगेटिव सेंटेंस बना रहे हो और डू या डज आपने लिख दिया है तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस नहीं लगाओगे, बल्कि सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाओगे। जैसे सम चिल्ड्रन डू नॉट फाइट विद ईच अदर, डू आ गया, यानी कि यहाँ पर हमें एस या ई एस नहीं लगाना है। आई डू नॉट गैदर फ्लावर्स विद माई फ्रेंड, मैंने अपने फ्रेंड से कोई भी फ्लावर नहीं लिए हैं। सारा डज नॉट फिनिश हर वर्क ऑन टाइम, सारा अपना वर्क टाइम पर फिनिश नहीं करती है। अब यहाँ पर डज आ गया इसलिए यहाँ पर एस एच के बाद हमने फिनिश के साथ ई एस नहीं ज्वाइन किया है, सिर्फ डज लगा दिया। अगर डू या डज आ जाता है तो हमें आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर रखनी है, उसके साथ एस या ई एस ऐड नहीं करना है। वी डू नॉट गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग। अब देखिए वी के साथ डू आ गया, ये याद रखना है, यू वी एंड आई के साथ क्या आएगा, डू आएगा, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज आएगा। यू डू नॉट हिट द बॉल, यू के साथ क्या आ गया, डू, यू डू नॉट हिट द बॉल। दिस पैरट सिंगुलर आ गया तो क्या आ गया, डज, दिस पैरट डज नॉट इमिटेट द गेस्ट्स।
अब देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस, टू और डज इज इंट्रोड्यूस्ड एज पर द सब्जेक्ट। टू या डज एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है इंट्रोडक्शन में, इंटरोगेटिव सेंटेंस में। इफ ए क्वेश्चन वर्ड हैज़ टू बी यूज्ड, इट इज यूज्ड टू एट द हेड ऑफ द सेंटेंस। अगर हम इंटरोगेटिव सेंटेंस लिख रहे हैं तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे जो कि डू या डज होगी, और डू या डज ही एज अ सब्जेक्ट टू सेंटेंस में बोला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, डू सम चिल्ड्रन फाइट विद ईच अदर, क्या बच्चे फाइट कर रहे हैं एक दूसरे से। तो देखिए एंड लास्ट में क्या हुआ, क्वेश्चन मार्क हुआ। सबसे पहले हमने क्या लिखा, इसकी हेल्पिंग वर्ब डू आ गई, डू या डज सबसे पहले आ जाएगी, उसके बाद सब्जेक्ट एंड फिर उसके बाद पूरा सेंटेंस हमें कंप्लीट करना है। डू आई गैदर फ्लावर्स विद माई फ्रेंड एंड क्वेश्चन मार्क, क्या आ गया सबसे पहले, डू हेल्पिंग वर्ब आ गई। इसी तरीके से देखिए, डज सारा फिनिश हर वर्क ऑन टाइम, क्या सारा टाइम पर अपना वर्क फिनिश करती है। तो क्या एंड लास्ट में क्या लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले क्या आ गया, डज हेल्पिंग वर्ब, और उसके हेल्पिंग वर्ब जब आ गई तो यहाँ पर ऐसे ही है तो हमें नहीं लगाना है। व्हेन डू वी गो टू स्कूल, हम स्कूल कब जाते हैं। अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन वर्ड है जैसे वन, व्हेन, व्हाई, हाउ, व्हाट, व्हाई, अगर ये वर्ड आते हैं तो इन वर्ड के बाद डू या डज लगता है, उसके बाद नॉर्मल सेंटेंस बना देते हैं।